दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो थोड़ा सा अलग टाइप का बना रहा हूँ। मैं रिपेयरिंग के ऊपर वीडियो बनाता नहीं हूँ, फिर भी आज बना रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या होता है, स्पीकर का थोड़ा सा पर्दा फटता है, थोड़ा सा आवाज़ फटता है और जो कॉइल थोड़ा सा ख़राब होता है, साउंड कम हो जाता है तो स्पीकर को फेंक देते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्पीकर को फेंकने की ज़रूरत नहीं होगा, आप खुद ही ठीक कर लोगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्पीकर है, स्पीकर का पर्दा भी फटा हुआ है और आवाज़ भी नहीं निकलता है, मतलब थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं निकलता है। उसका अंदर का कॉइल जो है वो टूट गया है शायद। और एक बात है कि आप इस स्पीकर को ठीक करने के लिए आपको खोलने की भी ज़रूरत नहीं होगा, स्पीकर को बिना ओपन किए ही मैं ठीक करना सिखा दूँगा आपको। और क्या होता है, उसको खोलने के बाद असेंबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए शायद आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा। तो मैं बिना खोले कैसे करता हूँ, देखिए आगे के साइड पे जो छोटा सा पर्दा होता है जिसको डस्ट कैप बोलते हैं, तो उसे ऐसे मैं ब्लेड से काट करके निकाल दे रहा हूँ, जैसे पीछे की जो डिपाग्राम जो है, जो बड़ा वाला पर्दा है, उस पर स्क्रैच ना पड़े, मतलब वो ना फटे। आसानी से मैंने निकाल दिया और जो बीच में जो कॉयल है उसको मैं ब्लेड से काट करके इसका जो ग्लू है उसको हटा दे रहा हूँ, मतलब उससे मतलब अलग कर दे रहा हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार मैं ब्लेड से काट दे रहा हूँ, पर्दे के साथ अटैच रहता है ये जो डिपाग्राम है उसके साथ। देखिए मैंने काट करके निकाल लिया, उसके अंदर से ये जो वॉइस कॉइल है, वॉइस कॉइल निकाला है। इस कॉइल के बिना ये स्पीकर नहीं चलेगा, इसलिए इस कॉइल की ज़रूरत होगा। इसके लिए मैंने एक नया वाला मतलब एक पाइप बना लूँगा कॉइल के लिए। तो मैंने एक पेपर को लिया और कुछ उसके हिसाब से मैंने काट लिया, जैसे उसके अंदर आसानी से घुस जाए उसके हिसाब से मैंने काट लिया। देखिए, और उसे काटने के बाद मैंने क्या किया, उसके ऊपर सुपर ग्लू डाल दिया, मतलब उसको थोड़ा सा हैवी करने के लिए। और उसके अकॉर्डिंग मैंने एक स्क्रू ड्राइवर घुसा लिया, मतलब उस पाइप के आकार के हिसाब से। देखिए उसके बाद एक पुराना मोबाइल फ़ोन के चार्जर या किसी भी ट्रांसफार्मर ले सकते हो, ये जो चार्जर का ऊपर एक ट्रांसफार्मर छोटा सा होता है, ऐसा एक ट्रांसफार्मर को ले सकते हो या बड़ा वाला ट्रांसफार्मर भी चलेगा, क्योंकि हमें अंदर के कॉयल सिर्फ चाहिए। और डीसी मोटर का अंदर भी आपको यह छोटा वाला जो कॉयल है, ये देखिए मैंने ये छोटा वाला कॉयल को निकाला है, जो स्पीकर के वॉइस कॉयल के आकार का होगा। तो उस कॉइल को ऐसा लेपट लेना है, देखिए दो लेयर बनाना है, मतलब पहले एक लेयर पे कुछ ट्रांस लगाना है, फिर से और एक लेयर उसके ऊपर चढ़ा देना है। देखिए मैंने दोनों लेयर को मतलब लगा दिया, लगाने के बाद उसको सुपर ग्लू से मतलब टाइट कर दे रहा हूँ, मतलब लगा दे रहा हूँ, चिपका दे रहा हूँ, ना खुले इसलिए, नहीं तो फिर से स्पीकर के अंदर खुल जाएगा तो फिर से टूटने का खतरा हो सकता है इसलिए। तो देखिए इसका दो टर्मिनल निकल गया है, तो दोनों टर्मिनल को स्पीकर का जो दो टर्मिनल रहता है जहाँ पर हम वायर लगाते हैं, उसी टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग कर देंगे सोल्डरिंग आयरन से। ये देखिए सोल्डरिंग हो चुका है, तो मैंने एक्स्ट्रा जो पार्ट रहा है उसको मैंने काट करके फेंक दिया और दो वायर लगाया। तो देखिए, तो आप देख सकते हो कि अभी आवाज़ निकल रहा है बैटरी के साथ सीधा कनेक्टिंग करने पर, और वो वाइब्रेट भी कर रहा है। ये देखिए मैंने म्यूज़िक प्ले किया तो म्यूज़िक बज रहा है अभी, लेकिन फटा हुआ आवाज़ निकल रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो पर्दे है पर्दे को पहले ठीक करना होगा। तो पर्दे को ये जो डिपाग्राम है उसको, मतलब ये फटा हुआ है उसको ठीक करना पड़ेगा। तो देखिए उसका जो साइड जो है वो फट गया है, तो उसे मैं एक कपड़े से मैं मतलब सुपर ग्लू से लगा लूँगा। सबसे पहले मैंने ये जो कॉइल है कॉइल को फिक्स कर दे रहा हूँ फिर से। आप डेंड्राइट या और दूसरा ग्लू से लगा सकते हो, पर्दे को मैं लगा दे रहा हूँ, लेकिन कॉइल फिक्स करते वक्त आप सुपर ग्लू का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा होगा। सुपर ग्लू का इस्तेमाल करने से क्या होता है, अंदर फिक्स हो सकता है, फिर से अंदर चिपक सकता है, इसलिए डेंड्राइट या सॉल्यूशन जो होता है साइकिल रिपेयरिंग शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगा, तो आप और से आप बाय कर सकते हो।
या आपके घर पे होगा तो, नहीं तो ग्लू जो होता है, ग्लू स्टिक जो ग्लूगन पे लगाते हैं उसका इस्तेमाल करके आप लगा सकते हो। देखिए ये स्पीकर अभी बजने के लिए पूरा तैयार हो चुका है, देखने में थोड़ा सा ख़राब लग रहा है लेकिन बजने में पूरा अच्छी तरीके से बजेगा, मुझे जहाँ तक पता है बिल्कुल अच्छी तरीके से बजेगा। तो अभी ट्राई करते हैं। देखा फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरीके से ये सॉन्ग प्ले हो रहा है इस पर। क्या बात है फ्रेंड, बहुत अच्छे वाला साउंड निकल रहा है अभी। तो आप जितने अच्छे तरीके से रिपेयर करोगे इतना अच्छा साउंड निकलेगा, आपकी रिपेयरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कैसे करते हो, कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो अच्छे तरीके से करना फ्रेंड्स, जैसे मैंने दिखाया वैसे करते हो तो आपको साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा। मेरा ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।